हुआ करता था, वहीं आज बयाना में पतंगों का चलन खत्म होता जा रहा है। कभी बयाना पतंगबाजी के नाम से मशहूर हुआ करता था, यहाँ दूर दूर से पतंगबाजी का शौक पूरा करने लोग आया करते थे, जिनमें फतेहपुर सिकरी, आगरा, हिंजौन, गंगापुर, बैर, भुसावर, डिंग, कामानगर से पतंगबाजी करने सैनी समाज के लोग बयाना में शर्तों पर पतंग के पेंच लड़ाने आते थे और चार पांच दिन तक बयाना में रुककर पतंगों के पेंच लगाया करते थे। वहीं पतंग लूटने वाले बच्चों की भी मौज हुआ करती थी, दो दो चार चार चरखी, मांझे एवं सदा ढेरों पतंग भी इकट्ठे कर लेते थे। परंतु समय के साथ अब कुछ सब कुछ बदल गया है। आज पतंगों की दुकान तो खुलती है परंतु बिक्री ना के बराबर। महंगाई की वजह से सब कुछ खत्म होता जा रहा है। कोरोना से चलते पीड़ित बच्चे आज पतंगों का इतना महंगाई हो चुकी है कि आज बिक्री भी कम है, बच्चे भी नहीं आ रहे, स्कूल भी बंद है। बिक्री बहुत कम है, ना मंजा बिक रहा है, ना सत्ता बिक रहा है, क्या करें। और बार से महंगी है, सस्ती है? और बार से बहुत महंगी है, मगर बिक्री नेक भी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, घट नहीं रही है नेक।